पे रखना होगा। अच्छा काम करो, आप उनके लिए स्टिक लेकर आओ। कहाँ ना एक स्टिक लेकर आओ। आप लोग खड़े क्यों हो गया? आपको नहीं मारूंगा, आप सिर्फ स्टिक लेकर आओ। ये तो सूर्या भाई है जो बेलगाम हो गए हैं, उनको अपन जैसा कंट्रोलर चाहिए बस। सूर्या से बातें करते वक्त मारे घबराहट के तू शाहरुख बन जाता है और तू उसे कंट्रोल करेगा। हेलो, अपन आप लोगों के सामने हकलाता है, सूर्या भाई से कौन डरता है? उनको तो अपन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल नहीं भाई, कंट्री, देशभक्ति की बातें कर रहे थे भाई। लो लकड़ी चाहिए थी ना। अरे हट, अपन ने कब बोला था किसी को कंट्रोल करने वाले थे ना? अब की जबान कंट्रोल में नहीं है, चुप रहिए। अरे तू तो सूर्य को कंट्रोल में रखने वाला था ना। सूर्या भाई को अपन क्या कंट्रोल करेगा, वही चापन सबको कंट्रोल में। लो अब तुम इसे कंट्रोल करो। प्लीज प्लीज मत मारो। आज तो आर्या पार जाधव। यादव। हाँ भाई। क्या आओ? संभाल। क्यों खाना खा लिया? हाँ खा पी लिया भाई। तो फिर नींद नहीं आ रही है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है भाई, आप उनको आपसे कुछ कहना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप उन थोड़ा सा चढ़ा कर आ रहे हैं भाई। मुझसे बात करने के लिए पीकर आना पड़ता है क्या? ऐसी कौन सी बात भाई है? वो मैटर ही कुछ ऐसा है ना कि भाई आप उनके हाथ पांव कांप रहे ले भाई। हाथ पांव कांप रहे? आपके शादी की बात है भाई। अरे भाई देखो गुस्सा मत करना भाई और मेरे को मारना मत। आप उन तो आज बोल के रहेगा। हाँ भाई देखो भाई उठना मत, हाँ जरा डिस्टेंस रखना है भाई, अब डिस्टेंस। हाँ प्लीज भाई मेरी बात मानो, हम दोनों की उम्र बीत जाए उससे पहले शादी कर लो भाई। जब आपकी शादी होगी तब आप उनका नंबर आएगा भाई। दूसरों की बारात देखकर अपन को बहुत तकलीफ होती है भाई। सड़क पे चलने वाले लड़कियों से बचने के लिए अपन एकदम स्ट्रेट दिख के चलता है भाई, लेकिन अपना गर्दन का कैमरा घूम ही जाता है। गर्दन घुमा लेता हूँ लेकिन नजर का क्या करूँ? अब आपको क्या बताऊँ, रात को नींद नहीं आती, रात भर करवटे बदलता हूँ, कितना सीडी डीवीडी की फिल्में देखूंगा। मैं अपन कुंवारा नहीं मरना चाहता, आप शादी कर लो ना भाई। देखो जाधव सुन, मेरी शादी तो इम्पॉसिबल है, तुम शादी कर लो। भाई बड़े भाई के होते छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे हा? लेकिन आपको इनकार क्यों है शादी से? हमारा हर काम सही है लेकिन कानून की नजर में गैर कानूनी है, तो लड़की को कैसे समझाएंगे? भाई जो लड़की इस बात को समझे उससे शादी कर लो। ठीक है लेकिन जो मुझे चैलेंज कर सके ऐसी लड़की होनी चाहिए। वाह भाई अगर अपनी पसंद तो बताए। थैंक्स भाई, उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो लड़की हाँ दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मिल जाएगी, मुझे देखकर डरे नहीं। ये कैसे होगा? हिम्मत वाली होनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। आंखों में आंखें डालकर डेरिंग से बात करने वाली, आपसे बात करते हुए चुटकी बजाने वाली। 25 साल से अपुन आपके साथ साये की तरह रहता है, कभी अपुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसी बात करने की। भाई अपुन को क्या लगता है मालूम है? इस जन्म में तो अपनी शादी नहीं होने वाली। मिस्टर ब्रदर चलता हूँ, थैंक्स। लड़कियों की फोटो अपुन को देखने दो। मेरी बेटी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी मुंबई आई है, मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। उन्हें बुलाइए ना। प्रिया भाई अब डॉन नंबर वन है, बैठे रहिए। सूर्य जाधव बनर्जी नमस्ते। ये ऐसे ही बात करती है लेकिन इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। माथुर अंकल हाँ ये आपकी बेटी है। हाँ, पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए। मतलब डिटेल्स अभी थी बाद में। हो क्या करती है अब? इसने कंप्यूटर में स्पेशल कोर्स किया है, यहाँ मुंबई में अच्छी जॉब की तलाश में है आजकल। तो ये हमारे यहाँ जॉब कर सकती है? मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटी? आपको पता है नहीं कैसे इंसान। हेलो, आप उनके भाई के परमिशन के बगैर यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकता। हाँ सही कहा ना। किलर है, शूटर है अपन का भाई। यादव तुम सूर्य की बुराई कर रहे हो, तारीफ इसका भी दिमाग क्या? अरे देव, अब इन बुड्ढों को कैसे समझाऊं? मथुर अंकल इधर। तुम्हें यही काम करना चाहिए।
यहाँ क्या काम है? कितने गन्स खरीदे, कितने कत्ल किए, कितनी हड्डियाँ तोड़ी, कितने सर फोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है। इनके कंप्यूटर्स में इन्हीं सब चीजों का हिसाब रखना होगा। भाई ऐसा नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं करूँगी, अंडरस्टैंड? प्रिया, प्रिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, बताओ तो सही। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। करना ही होगा, आज जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह है सूर्या। मतलब मुझे यहाँ काम करना होगा? हाँ, करना ही होगा। मैं इस गुंडे के साथ काम नहीं करूँगी। गुंडा? किसे कह रही गुंडा? छोड़िए भी, इन्हें पसंद नहीं तो जाने दीजिए। इनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया आप जाइए, आप आइए मेरे साथ। सॉरी सूर्या, उसने बिना सच्चाई जाने इतना कुछ कह दिया। इनकी यही बात तो मुझे अच्छी लगी, अपनी बेटी के जॉब के बारे में फिक्र न करें, सिटी बैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी। पर प्रिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सूर्य, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? पसंद आई क्या पूछ रहे हो भाई? हंसे, इसका मतलब है कि हाँ, पहली बार भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। अब आपका काम है अपुन की भाभी को मनाना। ये काम तो मुझ पे छोड़ दो, मेरी बेटी तुम्हारी भाभी जरूर बनेगी। सूर्या को पसंद आई, ये मेरी बेटी का नसीब है। वो तो है। अंकल, आपकी और कोई बेटी है क्या? अपुन भी अभी कुंवारा है। आपकी कोई बेटी है? मेरी तो शादी ही नहीं। तो जाके डूब मरो ना। भाई, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? भाई, उस लड़की के बारे में। कौन सी लड़की? क्या भाई, जो पहले हॉस्पिटल में मिली फिर घर पे। भाई वो आफत तो सामने से आ रही है। अरे भाई, इतना डर क्यों रहे हो? अरे डरू नहीं तो और क्या करूं। प्रिया को जॉब सूर्य की वजह से मिला है, लेकिन वो तो अपने टैलेंट के जोर को बिल्डअप दे रही है बैनर्जी, न जाने क्या होगा। रे जादव। क्या? रे? बोल रे? बोल रे? बोल रे? टपोरी। टपोरी? जादव। लेकिन भाई, ये अपने को टपोरी बोल रही है। एडजस्ट कर ले थोड़ा। हाँ ठीक है, तुम बोलो। ये क्या है पता है? अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हारे भाई के कहे बगैर मुझे इस शहर में कोई जॉब ही नहीं देगा, ऐसा तुम कह रहे थे ना? मेरे टैलेंट को देखकर जॉब मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। ये है मेरा लेवल। अब तुम क्या कहोगे, लॉलीपॉप? हेलो मिस लॉलीपॉप, ये जॉब तुम्हारे टैलेंट को ढूंढते हुए नहीं आई, ये तो मेरे भाई ने एक फोन। यादव। हाँ, तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही मिली। ए नो दादागिरी, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। तुम्हारा भाई बैठे बैठे कहता रहता है जादव जादव, और तुम जवाब देते हो ओके भाई, ठीक है भाई। और कोई काम है तुम दोनों को? मिस्टर सूर्या, मुझे जॉब मिल गई है, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। चलती हूँ, बाय। भाई ये लड़की तो बिल्कुल आपके पसंद की है भाई, अपन बुलाते आप आई लव यू बोल देना। मुझे डर लगता है। भाई आप तो डॉन नंबर वन है, आपसे तो पूरा देश डरता है, और आप हो के एक लड़की से डरते हो। डॉन नंबर वन कहलाना एक बात है, प्यार का इजहार करना अलग बात है। भाई दौलत तो जब चाहे कमा सकते हैं, एक बार उम्र निकल गई ना। कब आप आई लव यू कहेंगे, कब शादी करेंगे, कब मेरी बारी आएगी? अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए भाई, अब ऐसे अकेले जिंदगी बिताने में क्या मतलब है? प्रिया के साथ में अपना घर बसाइए, परिवार बनाइए, चलता है अपुन। बात तो पते की है जाधव ने। क्या है? आइए। पापा,
आज तक अपन ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक ही ख्वाहिश है, आप शादी कर लो। पुराना गन है पर बुलेट्स तो नहीं है ना भाई, आप शादी कर लो वरना अपन यही मर जाएगा। ए, पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर खुद को बहुत बड़ा डॉन समझते हो क्या? ये आपस में क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। भाई जाओ बात तो करो। बोलो ना, ये जादव तुमसे कुछ कह रहा था ना, आखिर बात क्या है? वाह डॉन, एनी सीक्रेट? हे, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, डरो मत तुम। जी, भाई होकर डर रहे हो आप? पापा, क्या हुआ बेटी? कोई आया हुआ है क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया। सपना देख रही थी, शायद डर गई। सेम ड्रेस, कलर भी वही जो मैंने सपने में देखा था। ए, देखो कह देती हूँ, मेरे करीब मत आना, मुझे किस मत कर, मैं कह देती हूँ। पापा, पापा मुझे बचा लो। दुश्मन है मेरे, देखो मैं कह देती हूँ, मेरे करीब मत आना, मुझे किस्मत का नहा कह देती हूँ। प्लीज, तुम सब लोगों के लिए डॉन हो सकते हो लेकिन इस घर में मैं लेडी डॉन हूँ,